बाबा। हे हो दूल्हा हे साले, नया चैनल है तो मुझे टैग थंबनेल टाइटल ये सब लगाने का तरीका नहीं पता था, तो फिर हम आपका व्हाट्सएप पे नंबर ढूंढे और आपको जलेबी वाला आई ले मोरी सासू जलेबी। सुर जी बोले कि वंदना वंदना दीदी गाती हैं, तू भी तो गांव का गाना गा सकती है। मैंने बोला हाँ गा सकती हूँ, लेकिन मुझे डर लगता है, पता नहीं मैं अच्छे से कर पाऊंगी नहीं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का फिर से एक और नए वीडियो में। दोस्तों इस वक्त हमारी मौजूदगी है दिल्ली में जी। कैमरे की फ्रेम में आप लोग एक और महिला क्रिएटर को देख रहे होंगे, शायद आप लोग इनको जानते और पहचानते होंगे। तो कितने लोग इनको जानते हैं पहचानते हैं कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर बताइएगा, और जो लोग नहीं जानते नहीं पहचानते हैं, आइए आज की इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं आखिरकार ये कौन है, कहाँ से हैं और किस तरीके से सोशल मीडिया पर मेहनत करती हैं, सब कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो में। अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, फेसबुक से देखना तो ज़्यादा शेयर करिएगा, फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किए हैं तो फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका भी भैया स्वागत है जी। कैसी हैं आप? हम ठीक हैं भैया, आप कैसे हैं जी? शुभ नाम क्या है आपका? मेरा शुभ नाम शीतल यादव है। शीतल यादव, हाँ। अभी आप कहाँ पे हैं? अभी हम भैया यहाँ बदरपुर पे हैं। अच्छा, बदरपुर बॉर्डर दिल्ली में आप रहती हैं? हाँ, दिल्ली में रहते हैं। अगर हम बात करें तो प्रॉपर लोकेशन आपका क्या है, कहाँ की रहने वाली है? हम दयाल बाग पुलिस चौकी फरीदाबाद के रहने वाले हैं। नहीं नहीं, मैंने गांव की बात की। अच्छा, गांव की। हाँ। हम गांव में सुल्तानपुर में रहते हैं। सुल्तानपुर में? हाँ। सुल्तानपुर में कहाँ से? क्योंकि काफी ऑडियंस है जो सुल्तानपुर से भी लोग आपको देख रहे हैं। सुल्तानपुर में हम कंधईपुर के पास भगवानपुर गाँव से हैं। अच्छा अच्छा, चलिए बहुत अच्छी बात है। लेकिन वहीं अगर हम बात करें शीतल जी, काफी ऑडियंस ये देख कर हैरान और परेशान है, आखिरकार शीतल जी किस तरीके से सोशल मीडिया पे काम करती हैं, क्या कुछ इनका अंदाज है, किस तरीके से अपने ऑडियंस का मनोरंजन करती हैं, तो क्या कुछ करती हैं आप? भैया हम अवधि गीत गाते हैं, सोहर नटका नाच गीत भजन यही। अच्छा। सब गाते हैं। तो महज वो दो लाइन के गीत होनी चाहिए जो आपके चैनल के माध्यम से सबसे ज़्यादा दर्शकों ने सुना होगा, देखा होगा, भरपूर ढेर सारा प्यार आशीर्वाद दिया होगा, वो गीत होना चाहिए। ठीक है भैया जी। सासु पिसबै तोर पिसौआ तर महुरवा धै के ना, सासु पिसबै तोर पिसौआ तर महुरवा धै के ना, रोज रोज खाबू रो सासु रोज रोज रोगाबू, रोज रोज खाबू सासु रोज रोज रोगाबू, एक दिन नीपुर जाबू ना, एक दिन नीपुर जाबू ना, छुट्टी है जिया कई जंजलवा, एक दिन नीपुर जाबू ना। क्या बात है, बड़ा सुंदर आपने गीत को सुनाया। इस गीत को आप लोगों के माध्यम से किस गीत के नाम से जानते हैं? चुटकुला नाच गीत भैया। अच्छा, चुटकुला नाच। हाँ, गीत है। हाँ। अच्छा अच्छा, चलिए फिर तो बहुत अच्छी बात है। वहीं अगर हम बात करें शीतल जी, आप भी घर परिवार से हैं, गांव से हैं, समाज से हैं, क्या होता है हमारे भारतवर्ष में लोग महिलाओं को इज्जत का दर्जा देते हैं, लोग नहीं चाहते हैं कि हमारी घर की बहू बेटियां सोशल मीडिया पे आए, वो नाच गीत गाएं या फिर डांस करें, ऐसे में आप परमिशन किससे लेती हैं, क्या पूरे परिवार से आपको इजाज़त मिलती? हाँ, है कि नहीं मिलती है? मेरे हस्बैंड, मेरे सास ससुर सबसे परमिशन ली हूँ। अच्छा, कोई रोक टोक नहीं है। अच्छा, क्या करते हैं आपके पति जी? मेरे पति जी डिलीवर का काम करते हैं। अच्छा अच्छा, चलिए। डिलीवर करते हैं। तो जब आपने उनसे बोला कि मुझे भी गीत संगीत से जुड़ना है, मुझे भी गीत संगीत से लगाव है, तो मैं काम करूंगी, उनका क्या कुछ रिस्पांस रहा? बोले ठीक है, मैं चैनल बना दे रहा हूँ, आप काम कीजिए। अच्छा अच्छा अच्छा, एक चीज़ बताइए, अभी तो जो आपने मुझे गीत सुना ये कई वर्षों पुराना गीत है। हाँ भैया, बहुत पुराना है। आज के टाइम की अगर हम बात करें तो महिलाएं ही नहीं और जो छोटे छोटे बच्चे वो लोग भी काफ़ी तेज़ी से सोशल मीडिया पे आना चाहते हैं, ऐसे में इन सारी गीतों को लोग पहले भी तो गाते थे, आप लोगों ने अब क्यों सोचा कि इसको सोशल मीडिया से भी खेलने का काम किया जाए? भैया पहले हम चैनल नहीं था, मेरा मन तो बहुत पहले से था, लेकिन हम सोचते थे पता नहीं हम अच्छे से काम कर पाएंगे या नहीं। अच्छा, ये बात है। हाँ। अच्छा, कितना दिन हो गया काम करते हुए? एक महीना हुआ अभी। एक महीना हुआ? हाँ। अच्छा जी, तो एक महीने में दोस्तों हम आपको बता दें कि अच्छा प्रयास कर रही हैं और इनका चैनल की ग्रोथ भी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, ऐसे में एक और गीत होना चाहिए, अगला कौन सा गीत सुनाएंगी? अगला भैया चुटकुला नाच गीत, वो भी है। हाँ बिल्कुल होना चाहिए।
जलेबी वाला आइल मोरी सासू, जलेबी वाला आइल मोरी सासू, जऊ मोरी सासू जलेबी लई देबू, जऊ मोरी सासू जलेबी लई देबू, निहुर के पैया लागब लागब मोरी सासू, निहुर के पैया लागब लागब मोरी सासू, जऊ मोरी सासू जलेबी नहीं लेबू, जऊ मोरी सासू जलेबी नहीं लेबू, उछल के एड़ा मारब मारब मोरी सासू, उछल के एड़ा मारब मारब मोरी सासू। क्या बात है, बड़ा सुंदर आपने गीत को सुना और इस गीत को चुटकुला नाच गीत के माध्यम से जानते हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है। अगर हम वही बात करें तो शीतल जी, आप किसको देखकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ज्वाइन किया है? भैया अभी मेरी बच्ची बहुत छोटी है, वो महीने भर की हुई थी, तो एक दिन मेरे ससुर जी बोले कि वंदना वंदना दीदी गाती हैं, तू भी तो गांव का गाना गा सकती है। मैंने बोला हाँ गा सकती हूँ, लेकिन मुझे डर लगता है, पता नहीं मैं अच्छे से कर पाऊँगी नहीं। अच्छा, बोले नहीं, इन लोगों का देखो कैसे काम कर रही हैं, आप भी करो। तो भैया मैं उन्हीं लोगों को देखकर काम करना शुरू करी। लोगों को देखकर आप काम कर? हाँ। अच्छा एक चीज़ ये बताइए हमें, परिवार में कौन कौन है आपके? परिवार में मेरे हस्बैंड है, मेरे दो बच्चे हैं, मेरे सास ससुर हैं, एक देवर है। अच्छा एक देवर है। हाँ। सबसे बड़ी है क्या घर में आप? हाँ हम बड़े हैं, देवर जी छोटे हैं। अच्छा अच्छा, तो क्या हुआ कि जैसे आप वीडियो तो बना रही हैं, वीडियो के बनाने के दौरान आपने अभी गांव गई हैं कि नहीं? नहीं भैया अभी नहीं गए हैं गांव। तो ना रिश्तेदारों से या फिर आस पड़ोसियों से कोई आपको कुछ सुनने को मिला कि वीडियो बना रही हैं? अभी तो ऐसा कुछ भी सुनने को नहीं मिला, लेकिन मुझे ही मन में संकोच लगता है कि लोग कुछ बोले ना कि क्या कर रही हैं। अच्छा अच्छा। और शीतल जी आप दिल्ली जैसे शहरों में रहती हैं, तो अपना निजी मकान है या फिर भाड़े वगैरह? नहीं भैया हम किराए पर रहते हैं, निजी नहीं है। निजी नहीं है। हाँ। तो जब आप वहाँ पे गीत गाते होंगे तो आवाज़ आपकी बाहर भी निकलती होगी? हाँ, हाँ। ठीक है। हाँ। बंद कमरे से जब बाहर आवाज़ गूंजती है, लोग सुनते होंगे, तो लोगों को मन में ये होता चले खुशियों का माहौल होगा तो इसलिए गीत गा रही हैं। तो एक दिन दो दिन, लेकिन जब आप लगातार इसी तरह से गीत को गाएंगी तो लोगों को लगे ना कुछ तो बात ज़रूर है, ये रोज गीत क्यों गाती हैं? हाँ, ऐसा कुछ क्या हुआ? हाँ भैया मेरे बहन को लड़का हुआ था ना। हाँ। तो मैं फर्स्ट दिन जब स्टार्ट करी तो लोग सोचे कि इन्हीं की बहन का लड़का हुआ है, उसी में वीडियो पे मोबाइल पे गा रही हैं। हाँ। तो दो चार दिन ऐसे बीता तो सब लोग पूछने लगे, तो बोले मैं बोली कि नहीं भैया मैं वीडियो बनाती हूँ। वीडियो बनाती? हाँ। तो लोगों ने पूछा नहीं वीडियो कहाँ बनाती हैं, कैसे बनाती हैं, हम भी तो देख सकें? नहीं पूछा, मैंने बोला कि मैं अंदर कमरे में बैठ कर बनाती हूँ। तो ससुर जी सपोर्ट करते हैं? हाँ हाँ, उनका तो पूरा सपोर्ट है, उन्हीं ने बोला कि आप वीडियो बनाओ। वीडियो बनाए? हाँ। चलिए फिर तो बहुत अच्छी बात है, एक और गीत होना चाहिए। अगला क्या गीत सुनाएंगे? गारी गीत सुना दो। गारी गीत लास्ट में सुनाइए। क्या होता, अभी आपने बताया कि मेरी बहन को लड़का हुआ था ना। हाँ, हाँ। तो सुहर गीत भी होता होगा। हाँ। तो वो सुनाइए। अच्छा, कहाँ पे जन्मे कंसा पापी तो बड़ा उत पाती तो बड़ा उत पाती नहीं हो सखिया, कहाँ पे जन्मे सिरी कृष्ण मुकुट सिरा सोहै मुकुट सिरा सोहै हो, मथुरा में जन्मे कंसा पापी तो बड़ा उत पाती तो बड़ा उत पाती नहीं हो सखिया, गोकुल में जन्मे सिरी कृष्ण मुकुट सिरा सोहै मुकुट सिरा सोहै हो। बहुत सुंदर आपने गीत सुना है। लेकिन वहीं शीतल जी अगर हम बात करें तो जब लोग सोशल मीडिया पे आते हैं तो उनका दो उद्देश्य होता है, एक या तो मोटा पैसा कमाना है या तो अपने नाम को बड़ा करना है। आप किस उद्देश्य से आई हैं? भैया नाम अगर बड़ा हो जाएगा तो पैसा अपने आप आने लगेगा। अच्छा, अच्छा। तो पहले नाम ही बड़ा हो जाए। तो आप सोच रहे हैं एक तीर से डबल निशाना हम साध लें तो कितनी अच्छी बात रहेगी, है कि नहीं? हाँ, सबके मन में तो ये भैया सबके मन में ये उल्लास रहता है कि हम मेहनत कर रहे हैं तो मुझे सफलता मिले। सफलता मिले। हाँ। अच्छा चलिए बहुत अच्छी बात, अभी आप परिश्रम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, धीरे धीरे आप कामयाब होंगी, ठीक है? ठीक। लेकिन जब आपका पहला पेमेंट आएगा आप किसको सबसे पहले देंगी?
हम अपने हस्बैंड और ससुर जी को देना चाहेंगे दोनों को, ये हमारा पैसा है। हाँ चलिए फिर तो बहुत अच्छी बात है। क्या होता है लोग अधिकतर मेरे से दिल्ली में मिलना चाहते हैं, अभी तो मैं दिल्ली में ही हूँ लेकिन जब गांव चला जाता हूँ तब भी लोगों का कमेंट आता है कि भैया आखिरकार आप कहाँ हैं। लेकिन आपने दिल्ली में मुझे कैसे संपर्क किया और क्या कुछ काम था जो आपने मुझे बुलाया? भैया मेरे चैनल में मतलब नया चैनल है तो मुझे टैग थंबनेल टाइटल ये सब लगाने का तरीका नहीं पता था, तो फिर हम आपका व्हाट्सएप पे नंबर ढूंढे और आपको कॉल किए। जी दोस्तों आपको बता दें ये शीतल जी हैं और ये स्क्रीन शॉट देखिए ये इनका चैनल है। जी आपको बता दें आज के टाइम में जो भी महिला जो भी पुरुष जो भी छोटे छोटे बच्चे सोशल मीडिया पे आना चाहते हैं वो लोग तेज़ी से आ रहे हैं लेकिन काम कैसे करना है इसकी जानकारी नहीं है। वो लोग गलती कर देते हैं टाइटल को लिखने में और चैनल की सेटिंग करने में, यही छोटी छोटी गलतियां होती है जिसकी वजह से आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होता है, रीयूज्ड कंटेंट में चला जाता है और वीडियो आपकी वायरल नहीं होती, आप लोग परेशान होते हैं भैया आखिरकार अब होगा क्या। जी आप लोग को मैं बता दूं इन्फॉर्मेशन वाली आप लोग वीडियो नहीं देखते हैं इसी वजह से आप लोग को ये सारी समस्या होती है। सबसे पहले आप इनके टाइटल में देखिए इन्होंने एक माता रानी का गीत गाया हुआ है अवसान माता का जो कि इन्होंने इसको मेंशन किया है। हम लोग किसी के भी चैनल को टाइटल में तब मेंशन करते हैं जब हमें एक दूसरे लोगों के बीच में साझा करना होता है कि ये फला व्यक्ति हमारे चैनल के माध्यम से प्रमोशन मिल जाए या फिर इनके इसी एट द रेट के मेंशन वाले ऑप्शन के माध्यम से लोग उस वीडियो में उस चैनल में चले जाएं ताकि इनकी वीडियो ना देखने के बावजूद भी लोग इनके चैनल में डायरेक्ट जाकर विजिट कर सकें, तो ये ऑप्शन होता है। लेकिन इन लोगों को ये लगता है कि अगर हम एट द रेट लगा के मेंशन करते हैं तो हमारा रीच अच्छा जाएगा। देखिए रीच इससे अच्छा नहीं जाता, आप अच्छे तरीके से अगर टाइटल लिखते हैं डिस्क्रिप्शन लिखते हैं तो आपका वीडियो वायरल होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। काफ़ी लोग क्या करते हैं अपने चैनल का नाम तो लिखते ही नहीं सीधा उसको मेंशन कर देते हैं, तो ये तरीका बिल्कुल गलत है। आप अगर आप लोग एक दूसरे के साथ साझा कर रहे हैं तो आप मेंशन कर सकते हैं और यही गलती इन्होंने भी किया। आज सुबह से कम 2-3 चैनल देखा हूं, सब ने यही गलती किया है कि टाइटल में तुरंत चाहे माता रानी का गीत हो चाहे अवधि गीत हो सब लोग तुरंत उसको मेंशन कर ले रहे हैं, तो ये तरीका बिल्कुल गलत है। मैंने बहुत बार आप लोग को यूट्यूब के जो भी रूल नियम उसे बताया है, पिछली वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा, बार बार मैं उसी चीज़ को दोहराता हूँ तो आप लोग भी बोरिंग होते होंगे। YouTube का एक नया अपडेट आया है अल्टरनेट कंटेंट को लेकर, आप लोग उस पर नो सिलेक्ट करिएगा अगर आप YouTube के अगेंस्ट वीडियो नहीं बनाते हैं तो। जी ये सारी बातों का आप लोग ध्यान रखिए और बहुत मेहनत से काम करिए और YouTube के कम्युनिटी गाइडलाइन का पालन करिए, नहीं तो YouTube अब सीधा लोगों के चैनल को टर्मिनेट कर रहा है। जी सही सुन रहे हैं आप लोग, YouTube खुद डिलीट कर रहा है अगर आप छोटी सी भी गलती करते हैं, तो ऐसा कुछ गलती आपको नहीं करना है और अच्छे तरीके से आपको काम करना है। इनका लाइव नहीं चालू हो रहा था, लाइव सेशन को मैंने क्रोम में जाके वहाँ से उस फीचर को ऑन किया क्योंकि आगे से बंद था, वो ऑन करते ही इनका लाइव सेशन चालू हो गया। अब ये आराम से भी लाइव आ सकते हैं और अपने चैनल पे काम कर सकते हैं। सारी चीज़ें आपको समझ में आई कि नहीं? हाँ भैया अब समझ में आ गया है। किसी प्रकार कोई दिक्कत परेशानी नहीं? अब कोई दिक्कत नहीं है जी बिल्कुल। एक गारी गीत होना चाहिए। ठीक है। पटना में खुला बा नया रोजगार, पटना में हे हो दुल्हे साले तो है माई पुरान तो है बहनी पुरान, अदलवाई डाला बदलवाई डाला पंपी सेट लगवाई सिंचवाई डाला, अरे थर्मामीटर मंगवाई नपवाई डाला ट्रैक्टर लगाई जोतवाई डाला, पटना में खुला बा नया रोजगार पटना में। वाह भाई बड़ा सुंदर आपने गीत सुना है। लेकिन वहीं अगर हम बात करें शीतल जी, अगर आपके चैनल पे लोग विजिट करना चाहें अगर यही सारी गीत सुनना हो तो वो लोग कैसे पहुंच पाएंगे? भैया मैं सभी दर्शकों से नमस्ते प्रणाम करती हूँ और आप सबको बता देना चाहती हूँ कि मेरे चैनल का नाम शीतल यादव ऑफिशियल है। आप शीतल यादव ऑफिशियल पे जाकर सर्च कीजिएगा और मेरे सारे गाने सुनने को आपको मिलेंगे। और भी कुछ कहना चाहेंगे लोगों के बीच? लोगों से मुझे यही कहना है कि भैया जैसे आप लोग सबका सपोर्ट कर रहे हैं वैसे मेरे भी चैनल को आगे बढ़ाइए और मेरा भी सपोर्ट करिए। भैया मेरे साथ खड़े हैं, मेरे साथ साथ इनका भी सपोर्ट करिए, इनके भी चैनल को आगे बढ़ाइए। बस धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
एक आवश्यक सूचना आप लोगों के लिए भी और आपके लिए भी जी, जी भैया। क्या है कि मैं डेली अभी दिल्ली में हूँ, डेली मैं इंटरव्यू लोगों का कर रहा हूँ, डेली मैं लोगों का चैनल ठीक कर रहा हूँ, डेली लोगों से मिल रहा हूँ, सुबह से शाम हो जाता है जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं एडिट कर पाता हूँ। लोगों को लगता है आज मैं इससे मिल के गया तो कल मेरी वीडियो आ जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। अगर मैं दिल्ली में हूँ तो समझ लीजिए मैं डेली अप डाउन कर रहा हूँ, इसकी वजह से आपकी वीडियो आने में लेट हो सकती है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग मुझे व्हाट्सअप पे कॉल करके, वीडियो के नीचे कमेंट करके इस तरीके से परेशान नहीं करिएगा कि भैया मेरी वीडियो कब आएगी। बहुत जल्द आएगी आप लोग की वीडियो, क्योंकि मैं अकेले परेशान हो जाता हूँ, मुझे ही सारा काम मैनेज करना होता है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ऐसा मैसेज नहीं करिएगा कमेंट कि भैया मेरी वीडियो कब डाल रहे हैं। समय मिलते ही आपकी वीडियो हम डाल देंगे 110%, यह गारंटी मैं आपको देता हूँ, प्लीज़ परेशान नहीं करिएगा जी। और आप लोग को इनका कौन सा गीत सबसे ज़्यादा पसंद आया वो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और चलिए दोस्तों, ज़्यादा कुछ नहीं कहते हुए आज के इस वीडियो को यहीं पर करते समाप्त। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते किसी नए वीडियो के साथ किसी नए टॉपिक पर।